हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं आज 6 बजे उठी हूँ, क्योंकि आज सृष्टि का स्कूल नहीं है, क्योंकि डीसी के ऑर्डर से स्कूल को फिर बंद कर दिया गया है, क्योंकि गर्मी काफ़ी थी। तो मैंने कहा था ना कि अभी तक कोई मैसेज नहीं आया है, पर कल ही शाम में आया था कि इन लोग का स्कूल फिर बंद हो गया है। अब 19 को शायद खुलेगा, तो क्योंकि गर्मी काफ़ी थी और छोटे छोटे बच्चे सब भी स्कूल जाते थे, इस कारण से डीसी के ऑर्डर पर ये स्कूल फिर से बंद कर दिया गया। तो मैं थोड़ा आज फिर आराम से उठी हूँ, लगभग 6:10 में मैं उठी थी। उसके बाद अभी मैं 6:30 बजे जल्दी से लग गई हूँ। लेट हो गया क्योंकि संदीप का कोचिंग भी है 8 बजे, तो उसके लिए भी कुछ बनाना था, तो खा के जाएगा। होता है ना, माइंड में बैठ गया, छुट्टी है तो थोड़ा सा लेट से उठूं, तो लेट थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। तो मैं भिंडी थोड़ा जल्दी बन जाता है, इसलिए मैंने भिंडी कट कर लिया है। और पनीर, मैं पनीर बनाने वाली थी, पर पनीर का भी मतलब मसाला भी आज ख़त्म हो रखा है, तो उस भी पीसना है, तो ये सब करते करते काफ़ी लेट हो जाता है, इसलिए मैं जल्दी से भिंडी बना रही हूँ। और क्योंकि पनीर में है थोड़ा सा प्याज का पेस्ट, टमाटर पेस्ट, इसे सब पीसना होगा, तो थोड़ा सा लेट हो जाएगा। बनता जल्दी है, पर सामान रेडी रहने पर जल्दी बन जाता है, तो मैंने सोचा चलो भिंडी और रोटी तब तक बना दूंगी। भिंडी भी ऐसे भी बहुत पसंद है संदीप को, तो ये देखिए मैंने पनीर भी निकाल के रखा है। और इधर मैं मसाला पीसने जा रही हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि वो भी ख़त्म हो गया था। जब तक इधर भिंडी भून रही है, मैं तब तक ये सब मसाला पीस ले रही हूँ। मसाला पीसा रहता है तो बनाने में समय नहीं लगता है, पर मसाला कल ही ख़त्म हो चुका था रात में। के लिए तो मैंने इसमें जीरा, हींग, हरा मिर्च और तेज पत्ता डाला है। जब ये तड़क गया तो मैंने पेस्ट भी बना लिया था, प्याज और टमाटर का पेस्ट। सिंपल से बना रही हूँ, मलाई वलाई नहीं डालूंगी। मलाई वाला बच्चों लोग को तो पसंद आता है, पर इन्हें थोड़ा उतना पसंद नहीं आता है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज मलाई वलाई कुछ नहीं डालूंगी। तो पहले मैं प्याज और टमाटर को अच्छे से भून ले रही हूँ, जब थोड़ा इसका कच्चापन चला जाएगा तब इसमें मैं मसाला डाल रही हूँ, जो मैंने मसाला पीसा था, अदरक लहसुन, जीरा गोलकी का पेस्ट, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, ये सब मैंने मसाला डाला है। तो ये सब भूनने के बाद मैं थोड़ा सा कश्मीरी मेथी डाल दूंगी, जो सब्जी में उसके स्वाद में 4 चांद लगा देता है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं जब पनीर के बनाती हूँ या कभी कभी जैसे छोला वाला भी कभी कभी बनाती हूँ तो डाल देती हूँ, कभी कभी नहीं डालती हूँ, तो मैं पनीर में ज़रूर डालती हूँ कस्तूरी मेथी। तो ये देख लीजिए, मसाला थोड़ा सा भूनने के बाद ही मैंने डाला था। तो जब यह मसाला भुन गया तो मैंने इसमें मिक्स मसाला डाला है,
और उसके बाद थोड़ा सा और भुनने के बाद उसके बाद मैं पानी डाल दूंगी मसाला, जब थोड़ा तेल छोड़ने लगे। तो यहाँ मसाला मेरा भुन चुका है तो मैंने इसमें थोड़ा पानी डाल दिया है। बाकी पानी आप जितना ग्रेवी रखना चाहते हैं, तो मुझे थोड़ा सा लटपट वाला रखना है। उसके बाद मैंने गरम मसाला डाल दिया था, तो यहाँ मेरी पनीर की सब्जी लगभग तैयार है। अब मैं पनीर कट करके इसमें डाल दूंगी। तो पनीर मैं 2 पैकेट पूरा बना रही हूँ क्योंकि बच्चे लोग को बहुत ही पसंद है। वो 1 पैकेट में अब नहीं होता है, अगर 1 पैकेट बनाती हूँ तो बस ये दोनों बच्चे ही खाते हैं। तो पर आज भिंडी और केवल पनीर की सब्जी है, जो पनीर का सब्जी तो पापा नहीं खाते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी मेरी पनीर की सब्जी चढ़ी हुई है और बाकी सारा कुछ हो गया है, बस चावल बचा हुआ है। और रोटी मैंने आधा बनाया था, मतलब संदीप को कोचिंग जाना था तो बस थोड़ा सा ही बनाया था। मैंने सोचा चलो पनीर की सब्जी बना दूँगी उसके बाद रोटी बनाऊँगी। तो अब जाऊँगी रोटी बनाने, पहले बर्तन धो लूँगी। चाय का है और थोड़ा बहुत है जो ब्रेकफास्ट संदीप ने किया था, बस ज़्यादा नहीं, चाय पानी का है। और मैंने भिंडी जल्दी से बना दिया था क्योंकि भिंडी जल्दी बन जाती है, पनीर भी जल्दी बन जाता है, पर मसाला ये सब नहीं तैयार था, इसलिए मैंने सोचा चलो पहले भिंडी बना लेते हैं, कम से कम कुछ भी खा के वो चला जाएगा। और गर्मी इतनी है कि बता नहीं सकते, काफ़ी गर्मी है देख लीजिए। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, बस 8:15 हो रहे हैं, पर धूप देख लीजिए एकदम कितना चमक रहा, बहुत गर्मी है। और सृष्टि का स्कूल खुला, 2 दिन चला, उसके बाद फिर छुट्टी हो गया है उसका, इसलिए मैं थोड़ा सा आराम से उठी थी 5 बजे, हालांकि नींद टूट गया था, पर फिर मैं थोड़ा सा लेटी रह गई। तो उसके बाद मैं 5:30 बजे उठी, तो मैंने सोचा चलो जल्दी लग जाती हूँ काम पे क्योंकि संदीप को भी कोचिंग जाना, इसीलिए मैं फिर उठ गई थी। तो टेस्ट उसका 2 ही पेपर हो पाया, देखते हैं कब होगा। ऐसे तो मीस कब खुलने का फिर बोला जा रहा है, किसी का ऑर्डर आ गया था कि गर्मी काफ़ी है इसलिए स्कूल फिर दोबारा से बंद हो गया है। और टेस्ट भी 2 ही पेपर हुआ है, अब देखते हैं बाकी पेपर अब कब होता है, मैसेज आ जाएगा। 19 तारीख ऐसे खुलने का बात है, बहुत गर्मी है इस बार, तो लगता है एकदम रिकॉर्ड तोड़ दिया है क्योंकि छुट्टी भी बहुत पहले हो गई थी, क्योंकि ऑनलाइन क्लास हुआ था गर्मी के कारण ही, 1 सप्ताह पहले ही मतलब छुट्टी कर दिया गया था, छुट्टी मतलब ऑनलाइन क्लास कर रहे थे बच्चे। तो खुलने के बाद भी यही हुआ कि टाइम बढ़ा दिया गया मात्र 2 दिन, जबकि 11:30 बजे छुट्टी हो रहा था इन लोग का, फिर भी उस समय काफ़ी थी। छोटे छोटे बच्चे लोग को दिक्कत हो जाता है जब ग्रेड के होते हैं, नर्सरी के होते हैं, तबीयत खराब होने का डर लगता है, बहुत ही गर्मी था। खुद मैं लेके लोग आती थी और जैसे 11 बजे तक मुझे सारा काम करके रेडी जल्दी जल्दी करके जाना पड़ता था। तो इधर 2 दिन से थोड़ा थकान भी हो जा रहा था क्योंकि 1 महीना अच्छा खासा रेस्ट था, मतलब घर में सब रहते हैं तो ऐसा कहीं जाने वाने का नहीं रहता था। और मैं चलती हूँ काम, मैंने बात कही, बैटरी भी मेरा लो हो गया, अभी मैं चार्ज में लगाऊंगी, उसके बाद फिर आप लोग से बातें करूंगी। तो चलते हैं, अभी घर का भी काम कुछ रह गया, पहले मैं जल्दी से बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद मैं रोटी बना लूँगी और चावल थोड़ा सा लेट से बनाऊँगी, बाकी का सारा काम तो हो गया। अभी घर डस्टिंग वशिंग सब बाकी है, तो फिर मिलते हैं आप। तो यहाँ सृष्टि अपना क्राफ्ट बनाने में लग गई है, बस उसे मौका मिलना चाहिए। तो यहाँ पर वो कुछ क्राफ्ट देखिए बस बनाना स्टार्ट कर दी है, तो वो अपना क्राफ्ट में लगी हुई है। स्कूल बंद होने से तो बहुत खुश थी क्योंकि गर्मी इतनी थी कि ये भी परेशान हो जाती थी, पर और बहुत दिन बाद जैसे होता है ना, 1 महीना के बाद बच्चे लोग जाते हैं तो थोड़ा जल्दी जाने का इच्छा नहीं होता है बंद होने के बाद, वो बहुत खुश थी। और ये शाम का समय है तो मैं कोल्ड कॉफ़ी बनाने जा रही हूँ, मतलब वो कॉफ़ी मतलब मैंने बना के रखा था जो कॉफ़ी चीनी और पानी डाल के जो उसका ये बना के रखते हैं, तो वो बना के रखा हुआ था, बस मुझे मिलाना था। तो मेरा मन हो गया कॉफ़ी पीने का। अभी संदीप कोचिंग गया हुआ है, जो मैंने उसका सब्जेक्ट के लिए कोचिंग ठीक किया वो वहीं गया है। सृष्टि अपना खेल रही है और मैं यहाँ कॉफ़ी का मज़ा ले रही हूँ, मुझे बहुत मन कर रहा था, तो बस सब तैयार था, बस दूध डालना था और कुछ नहीं करना था। तो यहाँ मैं कॉफ़ी पीने जा रही हूँ, तो आप सब भी आ जाइए कॉफ़ी पीने के लिए। तो मैं आइसक्रीम बना रही हूँ क्योंकि बच्चे लोग ने दूध नहीं पिया है, इसीलिए मैंने सोचा चलो आइसक्रीम बना दे, फिर गर्मी में तो ये सब अच्छा लगता ही है। तो मैं कस्टर्ड वाली बना रही हूँ, मैं चॉकलेट वाली बनाने वाली थी पर सामान मंगाने का ध्यान नहीं रहा, इसलिए जो था पास में कस्टर्ड पाउडर था मेरे साथ, तो उसी की मैं बना दे रही हूँ। दूध उबल रहा है, मैंने उसमें चीनी डाल दिया, बस थोड़ा सा उबाल आएगा तो फिर ये डाल दूँगी, ठंडा करने के लिए फिर छोड़ दूँगी। कस्टर्ड मैंने उबलने के लिए छोड़ दिया है और यहाँ दूध मेरी उबल रही है,
दिखा दे रही हूँ, ये देखिए दूध उबल रही है, सब्जी हो गया है रात का डिनर, नेनुआ की सब्जी मैं बना रही हूँ और अभी रोटी बनाना बाकी है। इतनी गर्मी है कि चेहरा भी पूरा चिपचिप हो गया है, तो सब रोटी बनाना है। लाइन काफ़ी देर कटा हुआ था तो हम लोग सब बाहर बैठे हुए थे, बालकनी में थे, काफ़ी देर कटी रही। मैंने सब्जी तो लाइन कटा में ही छोंक दिया था क्योंकि काफ़ी लेट हो जाता है इसलिए, तो आज दोपहर से ही लाइन काफ़ी कट रही है। लाइन आया तो तब मैं जाके अब रोटी बनाने जा रही हूँ इसलिए, और अभी 8:15 इधर लेट हो ही जा रहा है, मैं लेट से बना रही, इतना गर्मी रहता है कि मन नहीं करता है। अब बनाऊँगी करते करते मतलब 8:30 बजे तक फिर भी हो जाता है, खाने के टाइम में सबका हो जाता है, 9 बजे तक सबका खाना पीना हो जाता है। उसके बाद 9:30 बजे तो बर्तन से धो के मैं अपना सीरियल देखने चली जाती हूँ 9:30 बजे। तो यहाँ देख लीजिए बच्चे लोग चाउमीन और मंचूरियन इंजॉय कर रहे हैं, तो रात का डिनर इन लोगों का यही हो गया क्योंकि संदीप वो देख लिया था कि मैंने जब वो कोचिंग से आया तो देख लिया कि उसने कि मैं नेनुआ की सब्जी बना रही हूँ, मैंने उसे में छौंक मतलब बना ही रही थी, उसकी नज़र पड़ गई थी तो उसे एकदम मन नहीं था कि वो नेनुआ की सब्जी खाए, इसलिए वो जल्दी से गया पापा से बोल के ये चाउमीन और मंचूरियन ले आया कि रात में वो वही खाएगा। नेनुआ वैसे खा लेता है पर ज़्यादा इंटरेस्ट उसे नहीं है, बस उसी से बचने के लिए उसने चाउमीन और मंचूरियन मंगाया, वो बस उसे वो हमेशा चाहता है चटपटा खाने का, उसे चटपटा सब बहुत ही पसंद है। तो इस इन लोग का तो डिनर यही हो गया है, और यहाँ दूध भी जो मैंने आइसक्रीम के लिए बनाया था वो दूध ठंडा हो गया है तो मैं अब जमने के लिए रख दे रही हूँ, और इस समय सारा काम हो चुका है, हम लोग का भी डिनर हो गया है, संदीप लोग के बाद फिर हम लोग ने भी डिनर कर लिया था, मेरे बर्तन वर्तन भी धुल गया तो सोने से पहले मैं सोची कि चलो अब ये ठंडा हो गया तो जमने के लिए इसे रख देती हूँ, और कल मैं दिखाऊंगी कि कैसे मतलब अच्छा उतरा है कि नहीं, क्योंकि इससे पहले भी बनाया था तो पर मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया था निकाल कर। तो ये देख लीजिए यहाँ मैं, ये सुबह का वीडियो है तो ये देख लीजिए अच्छा उतर गया है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।